मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 की आपकी एक्सरसाइज 13.1 है, ठीक है। इसके मैंने आपको लगभग 7 क्वेश्चंस करा दिए थे, 8 वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसको देखिए आपको क्या बोला गया है, ABCD जो है मैंने आपको सामने फिगर बनाया हुआ है। ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। XY जो है पॉइंट्स हैं इनकी साइड AD और BC पर, ठीक है। और इस प्रकार से है कि AY और BX, यानी कि AY और BX दोनों को लिखा हुआ है आपको AY इज इक्वल टू BX है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ आपको प्रूफ करना है कि BY और AX इक्वल है, यानी कि BY और AX इक्वल है, ये प्रूफ करना है। एंड एंगल BAY, एंगल BAY यानी कि ये एंगल जो है आपका किस एंगल इक्वल है, ABX के इक्वल है, यानी कि ABX के इक्वल है, ठीक है। तो ये देखिए आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन ट्राइंगल्स को लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल YBA एंड इन ट्राइंगल XAB, इन ट्राइंगल्स को देखेंगे हम। देखिए जो AY इज इक्वल टू BX हमको दिया हुआ है, पहले लिखेंगे AY इज इक्वल टू BX दिया हुआ है, देखें उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। AY इज इक्वल टू BX हो गया। एंड इसमें अब क्या है, देखिए AB जो आर्म है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये ट्राइंगल्स लोगे तब भी आ रही है और ये ट्राइंगल लोगे तब भी आ रही है, यानी AB इज इक्वल टू AB आपकी कैसी हो जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि देखिए ये एंगल A है और एंगल B है, दोनों ही इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल्स के आर फोर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 90 90 90। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B क्यों, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ओके। देखिए तीन चीज हमको कॉमन मिल चुकी है, टू साइड्स ऑन वन एंगल, तो फ्रॉम SAS congruence ट्राइंगल YBA congruence ट्राइंगल XAB, ठीक है। जब ये congruence है दोनों ट्राइंगल्स, तो BY इज इक्वल टू AX, BY इज इक्वल टू AX by CTCT and also angle BAY is equal to angle ABS by CTCT, okay। तो ये आपका जो 8 वाला क्वेश्चन था वो आपके सामने है, ये हमारा फिनिश हो चुका है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन। देखिए 9 वाला क्वेश्चन है आपका, 9 वाला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया है आपको, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स हैं, ए बी एंड ए सी आपकी इक्वल है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर खींचा गया है बी सी पे ए डी, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल डी और एंगल सॉरी ए डी बी और एंगल ए डी सी आपके दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। आपको प्रूफ पे करना है बी डी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि जो बी डी है वो बी सी को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो बराबर भागों में काटता है, तो बराबर भागों में काटता है तो बी डी इज इक्वल टू सी डी कर देता है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे इनको, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी, ओके। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है आपको, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, गिविन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल होगा आपका एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बोथ आर 90 डिग्री, अभी बताया था मैंने आपको बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ए डी जो आर्म है वो दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन आर, कॉमन आर, ठीक है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होगा जो हमारा ए डी बी वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ए डी सी के,
जब ये दोनों कॉन्वर्स होंगे तो हमारी बी डी इक्वल टू सी डी भी हो जाएगी बाई सी बी सी डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइन्थ वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल था। अब चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 30.1 का और आल्सो लास्ट फॉर चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें एबीसीडी आपको पैरेलल ग्राम दिया गया है। ठीक है, और ये चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक है, ट्राइंगल एडीसी हम ले लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला आगे वाला लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी एंड इन ट्राइंगल सीबीए। देखिए एडीसी एंड सीबीए, ठीक है, एडी इज इक्वल टू सीडी क्यों हो जाएंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, इसमें हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये भी क्यों हो जाएगा, ये भी आपकी जो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड एसी इज इक्वल टू एसी, दोनों में कॉमन है, एसी इज इक्वल टू एसी, इसको हम लिखेंगे कॉमन। ठीक है ना, तो एसी इज इक्वल टू एसी कॉमन आर हो जाएगा, तो फ्रॉम एस 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 कॉन्ग्रुएंस, फ्रॉम एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सीबीए, ये तो हमारा फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। सेकंड वाला, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो एडीसी यानी कि ए एंगल जो एडीसी है वो एबीसी या सीबीए के इक्वल होगा, तो एंगल एडीसी इज इक्वल एंगल सीबीए बाय सीबीसी। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला हो गया, ये वाला हो गया बी, और ये आपका सी वाला है डी ए सी एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये भी करूँगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है बाई सी बी। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का। तो आपका जो चैप्टर नंबर 13 था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये आज फिनिश हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।